शहर में छाला पड़ जाला जीवन के पाँव में, सुकून के जीवन बितावे के बा तो आज हमार गांव में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के एक छोटे से गांव टणवा, जो कि मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत आता है, मैं उस गांव का निवासी हूँ और मैं उस गांव के बारे में आज बताने जा रहा हूं। और ये वीडियो जो है कि इस गांव के ऊपर है। और एजुकेशन की बात करें तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएफए करता हूं, यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट। ठीक है, मतलब हमको पेंटिंग बनाना और डिज़ाइनिंग करना मेरा शौक़ है और ये करना अच्छा लगता है। और मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ कि अलग अलग जगह पर जाके और लाइव पेंटिंग बनाऊँगा, और मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों में आप मेरा सपोर्ट करें। और ये मेरा पहला वीडियो है गांव के ऊपर। तो मैंने दोस्तों YouTube पे तो से 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उनको सक्सेस नहीं मिली है। और अभी देख रहा हूं कि आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी ये मेरे गाँव के ऊपर पहला ब्लॉग है और उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। गाजीपुर ज़िले के तहसील मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंदर आने वाले ग्राम सभा टावा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग प्रत्येक सुबह उठकर पैदल चलते हैं। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे सुबह उठकर व्यायाम करते हैं। यहाँ की बात क्या ही करें, शहर में लोग ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, यहाँ पे लोग दातून करते हैं। लोग रोज सुबह उठ के चपाकल पे तालाब के किनारे, पोखरे के किनारे स्नान करते हैं और लोग अपनी गाय भैंस को उतनी ही खूबसूरती से प्यार करते हैं तथा उनका दूध निकालते हैं। हमारा गांव अगर ऊपर से देखने पर गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसके यहां पे छोटे बड़े लोग सभी लोग निवास करते हैं। इस गांव में हरियाली की बात कर दे तो हरियाली काफ़ी ज़्यादा कूट कूट के भरी है। बरसात के समय में अभी धान की खेती होती है। धान की खेती के समय में यहाँ की धान की बालें और ऊंस की बूंदें काफ़ी खूबसूरत हैं। अभी धीरे धीरे बाल जो हैं निकल चुकी हैं। गांव में एक खूबसूरत सा है सरकारी स्कूल, जहाँ पे गांव के छोटे छोटे बच्चों का लगाव जुड़ा है। गांव में धूप जब होता है तो लोग छांव के लिए, आनंद के लिए आ जाते हैं इन पेड़ों के छांव में। इसको गांव के लोग बारी या बगीचे के नाम से जानते हैं। यहां पर लोग इकट्ठे होकर एंजॉयमेंट करते हैं। गांव के पूर्व साइड में है एक विशाल मंदिर, जहां पे भगवान शंकर और बजरंगबली और माता काली का है, और साथ में है एक सिंचाई विभाग का सरकारी ट्यूबवेल, जहाँ से लोग अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी लेते हैं। यहाँ का मंदिर का नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर बरसात के मौसम में आप गांव में आते हैं तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि क्या ही बताएं। हर जगह घास फूस, पानी, कीचड़, मतलब एक तरह का बहुत ही लुभावना लगता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो गांव में अगर नित्य सुबह कोई उठकर व्यायाम करे, प्रैक्टिस करे और फल फूल खाना पीना खाए, अच्छे से खेतों में अपने काम करे, तो मतलब क्या ही, मतलब मेरे हिसाब से तो वो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। गांव के एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है भाई साहब। हाँ हाँ, गांव के किनारे पे है एक पोखरा, जिस जो कि अभी सूखा हुआ है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि गांव से मात्र 5 मिनट के रास्ते के बाद एक पड़ता है स्टेशन, जिसका नाम है यूसुफपुर स्टेशन, जो कि पूरे मोहम्मदाबाद मार्केट को कवर करती है। यहाँ पर लगभग प्रत्येक ट्रेन रुकती है, से प्रत्येक जगह के लिए ट्रेन मिल जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अपनी जानवरों को चराने के लिए लोग ऐसे शाम को निकल जाते हैं। गांव के सबसे आखिरी छोर पे होते हैं गांव के कुल देवता, जिनको गांव का डीह बोला जाता है या फिर गांव के एक प्रसिद्ध देवता के नाम से जाना जाता है। तो मेरा गांव आप लोगों को कैसा लगा?
बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो गांव के लोग होते हैं ना, बहुत ही मासूम होते हैं, और यहाँ के जो लोग होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को संतोष है। मतलब अगर मैं शहर की अपेक्षा में बात कर दूँ तो जो गाँव के लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। अगर एक बार आपको विश्वास ना हो तो अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, एक बार गांव में आकर जरूर देखिए, गांव के नेचर से जुड़िए, यहां का वातावरण क्या ही शुद्ध है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग वायरल करेंगे, और अपने गाँव के बारे में बताकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों के साथ। कहना नहीं आप लोगों के साथ, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है ये वीडियो वायरल होती है कि नहीं होती है। और ये मेरा पहला ब्लॉग गांव के ऊपर, कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।